इससे पिछले लेक्चर में हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंसेस को स्टडी किया। हमने देखा कि ऐसा सीक्वेंस जिसमें दो टर्म्स के दरमियान जो रेशियो है वो सेम हो तो वो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस कहलाता है। और हमने ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की जनरल टर्म फाइंड करने का एक फॉर्मूला स्टडी किया जो कि हमारे पास था, ए एन इज इक्वल टू ए वन आर रेज टू पार एन माइनस वन, वेयर ए वन इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशियो। इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन, फाइंड फिफ्थ टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन 3, 6, 12 एंड सो ऑन। जब भी हमारे पास इस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि हमने किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की कोई टर्म फाइंड करना होगी तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे जनरल टर्म का, ए एन इज इक्वल टू ए वन आर रेज टू पार एन माइनस वन। इस फॉर्मूला में हमें तीन चीजों का पता होना चाहिए। एक तो ये कि हमने कौन सी टर्म फाइंड करना है जो कि हमारे पास एन होगा। यहां पे हमने फिफ्थ टर्म को फाइंड करना है तो एन हमारे पास 5 होगा। दूसरी चीज ए वन जो कि हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म होगी। यहां पे ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म जो है वो 3 है। तीसरी चीज कॉमन रेशियो, कॉमन रेशियो हमारे पास दो कंजेक्टिव टर्म्स की रेशियो होगी। यहां पे दो कंजेक्टिव टर्म्स मैं ये ले लेता हूं 6 डिवाइडेड बाय 3, तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 2। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों की रेशियो लूं तो ये हो जाएगा 12/6 विच इज 2। कॉमन रेशियो जो है ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में सेम होती है। अब हमारे पास कॉमन रेशियो भी आ गई 2। इस फॉर्मूला को यूज करते हुए अब हम फिफ्थ टर्म जो है वो फाइंड कर लेंगे। A5 इज इक्वल टू A1 मेरे पास है 3, R है 2 रेज टू पार n माइनस वन, n इज 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3 × 2 रेज टू पार 4 विच इज इक्वल टू 3 × 16 इज 48। सो 48 इज द फिफ्थ टर्म ऑफ दिस ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सिमिलरली इससे आगे जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, वो सारे इसी तरह से हैं कि हमने कोई टर्म फाइंड करना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये है फाइंड 12th टर्म ऑफ सीक्वेंस 1 + iota 2 iota - 2 + 2 iota and so on। हमने इसकी 12th टर्म को फाइंड करना है A12। हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए वन आर रेज टू पार एन माइनस वन। 12th टर्म को हमने फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म हमारे पास है 1 + iota। कॉमन रेशियो हम फाइंड कर लेंगे जो कि हमारे पास हो जाएगा आर इज इक्वल टू 2 iota over 1 + iota, तो ये हो जाएगा 2 iota over 1 + iota raised to power n इज 12, 12 - 1 इज 11। इसको अब हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 1 + iota, और इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं 2 raised to power 11 over iota raised to power 11 divided by 1 + iota raised to power 11। इसको हम सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 raised to power 11 इज 2048 इंटू, यहां से मैं iota कॉमन ले लूं तो ये हो जाएगा iota raised to power 10 डिवाइडेड बाय ये 1 + iota, यहां से कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास बच जाएगा 1 + iota raised to power 10।
इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2048 इनटू आयोटा इनटू आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 5 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 10। फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आयोटा स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1 रेज टू पावर 5 इज ऑल्सो माइनस 1, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा माइनस 2048 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 10। सिंपल मैथमेटिक्स है, एक फॉर्मूला आपने यूज करना है और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो भी बिल्कुल इसी तरीके से होगा। देन इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज विच टर्म ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई इज एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई रेज टू पावर 9। एक हमारे पास सीक्वेंस है उसकी कौन सी टर्म जो है वो एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई रेज टू पावर 9 होगी। हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे, ए एन इज इक्वल टू ए वन आर रेज टू पावर एन माइनस 1। हमारे पास ए एन गिवन है, ए वन भी है, कॉमन रेशियो हम निकाल लेंगे, एन हमने फाइंड करना है। सबसे पहले इस सीक्वेंस से हम देख लेते हैं, ए वन फर्स्ट टर्म, हमारे पास है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, आर रेशियो हमारे पास आ जाएगी एक्स प्लस वाई ओवर एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। इसको अगर मैं सिंप्लीफाई कर लूं तो ये हो जाएगा 1 ओवर एक्स माइनस वाई। अब हमारे पास फर्स्ट टर्म भी है, कॉमन रेशियो भी है, टर्म भी दी गई है, हम एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। इस फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर दें, एंथ टर्म एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई रेज टू पावर 9 इज इक्वल टू ए वन की जगह पे हम पुट कर देंगे फर्स्ट टर्म जो कि है एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, आर की जगह पे 1 ओवर एक्स माइनस वाई होल रेज टू पावर एन माइनस 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई होल रेज टू पावर 9 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर को मैं ओपन करके लिखूं तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई इंटू 1 ओवर एक्स माइनस वाई रेज टू पावर एन माइनस 1। फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर लें तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई रेज टू पावर एन माइनस 2, और इस साइड पे एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई रेज टू पावर 9। अगर मैं इस टर्म को यहाँ पे ले जाऊँ और इसको यहाँ पे ले जाऊँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा एक्स माइनस वाई रेज टू पावर एन माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई रेज टू पावर 9 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर एक्स प्लस वाई। ये एक्स प्लस वाई के साथ कैंसिल हो जाएगा तो इस साइड पे हमारे पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई रेज टू पावर एन माइनस 11 इज इक्वल टू
वन। और हमें पता है किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो वो 1 के इक्वल होती है, तो मैं इस 1 को इस तरीके से लिख दूंगा, एक्स माइनस वाई रेज टू पावर एन माइनस 11 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई रेज टू पावर 0। तो यहाँ से हम ये देख सकते हैं कि एन माइनस 11 इज इक्वल टू 0 और एन इज 11। जब हमारे पास बेसिस सेम हो तो पावर्स भी सेम होती हैं, तो वहां से मैंने दोनों की पावर्स को सेम कर दिया, एन माइनस 11 इज 0, तो एन की हमारे पास वैल्यू आ गई 11। इट मीन्स दैट कि योर टर्म एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई होल रेज टू पावर 9 है, ये 11th टर्म है इस ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की। देन क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के तीन पार्ट्स हैं, उनमें से एक पार्ट मैं कर दूंगा, बाकी दोनों आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 ये है, इफ ए बी सी एंड डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, देन प्रूव दैट पहला पार्ट इसका है ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस डी आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, कि अगर हमारे पास ए बी सी और डी जो है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो हमने शो ये करना है कि ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस डी जो है ये भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में होंगे। अब ये हमारे पास एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है ए बी सी डी, अगर हम कॉमन रेशियो निकालें आर, तो वो हमारे पास होगी बी ओवर ए आल्सो, सी ओवर बी आल्सो, डी ओवर सी, कि ये हमारे पास रेशियो है एक टर्म और उससे पिछली टर्म की। तो यहाँ से अगर मैं सिर्फ इस चीज़ को देखूँ, आर इज इक्वल टू बी ओवर ए, तो मेरे पास बी जो है वो आ जाएगा बी इज इक्वल टू ए आर। और अगर मैं इस चीज़ को देखूँ, आर इज इक्वल टू सी ओवर बी, तो सी मेरे पास आ जाएगा बी आर। और अगर मैं इस चीज़ को देखूँ, आर इज इक्वल टू डी ओवर सी, तो डी मेरे पास आ जाएगा सी आर। अब बी की वैल्यू हमारे पास है ए आर, सी की वैल्यू बी आर और डी की वैल्यू सी आर। अगर यहाँ पे मैं बी की जगह पे बी की वैल्यू पुट कर दूँ जो कि यही है ए आर, तो ये मेरे पास हो जाएगा ए आर स्क्वेयर। और डी में सी की जगह पे मैं सी की वैल्यू पुट कर दूँ ए आर स्क्वेयर, तो ये मेरे पास बन जाएगा ए आर क्यूब। हमारे पास वैल्यूज आ गई, बी की वैल्यू ए आर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वेयर और डी की वैल्यू ए आर क्यूब। अब हम इन वैल्यूज को यूज करते हुए ये प्रूव करेंगे कि ए माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस डी जो हैं ये हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं। अगर हमारे पास ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हो, तो इसका मतलब है कि इनकी जो रेशियो है वो सेम होगी। रेशियो मीन्स बी माइनस सी ओवर ए माइनस बी विल बी इक्वल टू सी माइनस डी ओवर बी माइनस सी। सिंपली क्या किया है कि ये अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है, तो इनका जो कॉमन रेशियो है वो सेम होगी। तो मैंने कॉमन रेशियो निकाल ली और उसको इक्वल पुट कर दिया। अब हमारे पास वैल्यूज़ हैं, या इसको अगर मैं सॉल्व करना स्टार्ट कर दूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा बी माइनस सी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू सी माइनस डी बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब यहाँ पे हम वैल्यूज पुट कर देते हैं,
अगर हमारे पास दोनों साइड्स इक्वल आ जाएंगी तो इसका मतलब होगा कि ये जो हमारे पास a माइनस बी, बी माइनस सी और सी माइनस डी हैं, ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हैं। तो b की वैल्यू हमारे पास है ए आर, माइनस सी की वैल्यू हमारे पास है ए आर स्क्वेयर, इसका स्क्वेयर होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए माइनस बी की वैल्यू ए आर, सी की वैल्यू ए आर स्क्वेयर माइनस डी की वैल्यू ए आर क्यूब। अब इनको सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर इंटू वन माइनस आर होल स्क्वेयर। इस साइड को आप सॉल्व करेंगे तो यहां से अगर आप ए कॉमन लें तो ये हो जाएगा वन माइनस आर, और यहां से ए आर स्क्वेयर कॉमन लें तो ये हो जाएगा वन माइनस आर, ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर इंटू वन माइनस आर होल स्क्वेयर इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वेयर आर स्क्वेयर इंटू वन माइनस आर होल स्क्वेयर। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो दीज टर्म्स आर इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब इसके बाकी जो पार्ट्स हैं उनको आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। वैल्यूज तो इस पार्ट में हमने निकाल ली हैं बी सी और डी की, सिंपली जो आपको प्रूव करने का दिया गया होगा उसको आप उसका आप कॉमन रेशियो निकाल लेंगे और उस कॉमन रेशियो में ए बी सी और डी की वैल्यूज पुट करके लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल ले आएंगे। अगर वो इक्वल आ जाएगी तो इसका मतलब ये होगा कि वो हमारे पास सीक्वेंस जो है वो एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगा।